अभी आप देख रहे हैं केजीएन मिथिला न्यूज। जानकारी के लिए बता देते हैं कि मधवापुर और हरलाखी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य पद के लिए बुधवार दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को आरओ सह बेनीपट्टी एसडीओ अशोक कुमार मंडल के समक्ष मधवापुर तथा हरलाखी प्रखंड के कुल 9 जिला परिषद सदस्य पद के भावी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज करवाया, जिसमें हरलाखी क्षेत्र संख्या 1 से रेणु देवी, सीमा यादव, गीता देवी, हरलाखी क्षेत्र संख्या 2 से सरिता देवी, मधवापुर क्षेत्र संख्या 3 से लक्ष्मी कुमारी तथा मधवापुर क्षेत्र संख्या 4 से परवेज आलम ने कसीर तादाद में अपने समर्थकों के साथ जिला परिषद सदस्य पद के लिए अपना नामांकन दर्ज करा लिया है। अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए केजीएन मिथिला के साथ। स्पेशल जो मेरा रहेगा वो शिक्षा का मेन मुद्दा रहेगा और सड़क का भी मेन मुद्दा, क्योंकि आप देख रहे हैं, और गरीबों पर मेरा जो है मेन फोकस रहेगा, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने 2 महीना जॉब किया, उसके बाद मैंने जॉब रिटायर किया और उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स में आया। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, कि गरीबों का साथ देना है, ठीक है, चाहे वो जिस स्तर में, गरीब के बच्चे आज देखिए एजुकेशन लेवल में बने, गरीब के बच्चे का क्या सिस्टम दिया, लोग जो है कोचिंग का जो एक एक कोचिंग का 500 रुपया फीस हो गया, 300 रुपया फीस हो गया, गरीब का बच्चा जो है 500 रुपया कहाँ से देगा, लोग जो है एक दिन में 400-300 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, तो इस चीज़ को सुधारने का काम करेंगे और लोग चाह भी रहे हैं, हमको पूरे जोर शोर से आप देख रहे हैं, इस बारिश के मौसम में भी लोग इस तरह से जो है मेरे साथ कदम में कदम चलने का काम किया है। चलिए तो थोड़ा चलते भी हैं, थोड़ा बात भी करते हैं आपसे, आइए थोड़ा सा आगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप देख रहे हैं और इस बारिश के मौसम में भी लगातार एक मिनट। की नाम भेलै? क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी। किस निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन किए? जिला परिषद से। जुड़ाइए इस बात को, जुड़ाइए जिला परिषद मधवापुर। आपका क्या नाम है सर? बादल गुप्ता। अच्छा, क्षेत्र संख्या 3 से खड़े हो रहे हैं जी। जीतने के बाद अगर जनता ने मौका दिया तो जीतने के बाद कौन सा काम सबसे पहले करेंगे? मैं तो 21 साल से छात्रों का सेवा कर रहा हूँ और 5 साल हमारे जनता ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया है, तो हमारी माता श्री 5 साल से जिला परिषद थी और जितना विकास मैंने कर दिया, इससे पहले जो भी जिला परिषद जीते थे उतना विकास नहीं कर पाए, इसीलिए आज जनता हमसे प्यार करते हैं और उनके सुख दुख में मैं हमेशा रहने का काम करता हूँ, और ये शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि जो भी जनता के लिए जो सेवा में निकल जाते हैं तो ये शरीर कैंडिडेट का नहीं होता है, मेरा नहीं होता है, और मैंने सेवा में शरीर को दे दिया और ये शरीर आप जनता का है, जहाँ भी जब भी जोर पड़ेगा मैं खड़ा रहूँगा। कहाँ से खड़ा भेलिए? कौन सीट के लिए? जिला परिषद। अच्छा, जन देखो मैडम, जीत करके कौन सा काम सबसे पहले करने का प्लान है आपको? वो हम जीतने के बाद फिर हम आपको बताएंगे। जनता सेवा करके हम 5 साल बिता चुके हैं और फिर हम जनता सेवा पुनः करेंगे। नहीं, अगर जीत गए, जनता ने आपको मौका दे दिया, तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? के बाद है जो हमें सरकार द्वारा फंड दिया जाएगा वो तो हम करेंगे ही, बढ़ चढ़ के हम अपने समाज के लिए भागीदारी लेंगे, जितना हम कर सकते हैं उससे कई ज्यादा करने का प्रयास हुआ। की नाम है यहाँ के? नाम कहू ने नाड़ा लगा दी।
हमारा नेता कैसा हूँ, हमारा नेता कैसा हूँ। कौन क्षेत्र से नामांकन के लोग क्षेत्र संख्या 100 जिला परिषद के लिए। चलो विनोद जी जीत जबे तो जनता के की सेवा करबे सबसे पहले। रोड वाह भाई साहब थोड़ा सा साइड पर कहीं सारे आप लोग कहीं जाओगे ना भाई। अरे रुक जा, अरे यार निकलवा रहे हैं आप लोग वहीं पे से निकालना। नाम बजो, नाम का कौन चल रहा है वहीं। क्षेत्र संख्या कितना से खड़े हुए हैं? संख्या 1 से हरला की। अगर जनता ने मौका दिया जीत गए तो सबसे पहले कौन सा काम कीजिएगा? जो जनता चाहे जो जनता दिए भाई मेरा हो गया। हटी हटी हमको जाने दीजिए, निकलने दीजिए। हम अपना मन से थोड़ी ना करेंगे। ठीक बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक चलिए।